नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो सकते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक ऐसी ही खबर हमारे पटल पर है। देखिए ना कि कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एक बड़ा दावा कर रहे थे। इस बात का दावा कर रहे थे कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पहले 3 महीने का अल्टीमेटम बहुत पहले दिया था उन्होंने, लेकिन जैसे ही उपचुनाव आया तो उपचुनाव की तिथि की घोषणा हुई, इसके साथ ही राजद के लोग इस बात का दावा करने लगे कि उपचुनाव के रिजल्ट आने के साथ यानी कि 2 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुखिया होंगे, यानी कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे। जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर सफलता जब हाथ लगी थी तब उन्होंने चर्चा की थी इस बात में, लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस सिंहासन पर बैठने जा रहे थे उस सिंहासन जो चौपाया सिंहासन होता है उसके 2 पाए टूट चुके हैं। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के राजनीति के जाने माने चेहरे, पंचनामा विशेषज्ञ, भारत लाइव के संपादक डॉक्टर रमन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जिस गाजे बजाजे गाने बाजे के साथ जो है सिंहासन पर बैठने के लिए तैयारी में थे, सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे, उसका तो 2 पाया टूट गया है, अब कैसे क्या होगा? देखिए, इसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं खुद तेजस्वी यादव है। ये जब मैं बात बोलता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता है। लोगों को लगता है कि नहीं, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हम नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं या फिर हम भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सच वो नहीं है। विपक्ष बिहार में कई दशकों से मुझे लगता है कि कमजोर दिख रहा है। इसके पीछे बड़ी कारण है। कारण ये है कि जब भी विपक्ष एक स्वरूप पकड़ता है तो आप समझ सकते हैं ना, चूंकि जो सत्ता पक्ष है वो बहुत मजबूत है, बड़ी मेजोरिटी है, बड़ा वोट बैंक है, एक एजेंडा है जो कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के साथ काम करता है, समझ रहे ना? तो हाँ, उसके खिलाफ एक बड़ा गठजोड़ चाहिए होता है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं पिछले कई बार से कि ये गठजोड़ बनता जरूर है, लेकिन जैसे ही स्वरूप लेने लायक होता है तो उसका पूरा तरह से ढांचा बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2015 में महागठबंधन बनी थी, उसमें कांग्रेस, नीतीश और लालू थे। 17 में आते आते आपने देखा कि नीतीश बाहर हो गए, कांग्रेस और लालू एक अकेले बच गए, लेफ्ट की पार्टियां बाहर की राजनीति कर रही थी। फिर बिहार की राजनीति में मांझी जी और मुकेश सहनी का आगमन हुआ, बिल्कुल एनडीए का हिस्सा बने। फिर कालांतर में हमने देखा कि पहले मांझी जी, फिर कुशवाहा, मुकेश सहनी, ये सब लोग आके महागठबंधन में आए। लेकिन फिर महागठबंधन 2019 में जब चुनाव उतरा लड़ने के लिए तो हमने देखा कि बहुत माथापच्ची हुआ, बहुत माथापच्ची हुआ। चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात जहां आई सभी लड़खड़ाए और बुरी तरह से हार हुई। लेकिन दोबारा फिर मौका मिलना था, जल्दी ही सबको पता था 2020 में ही विधानसभा चुनाव थे, एनडीए के खिलाफ एक बड़ा समीकरण के तहत उतर आ सकता था, लेकिन वो समीकरण नहीं बन पाया। फिर से वो ढांचा बनते बनते टूट गया। अब आप देख रहे हैं कि 2020 के चुनाव में जो महागठबंधन जाने वाला था उसमें माझी, मलाह, कुशवाहा सब थे, लेकिन जब वो गया चुनाव में तो केवल तेजस्वी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां थी। अब देखिए, अब इसके बाद क्या परिस्थितियां बदली हैं? अब चूंकि बड़ी हार फिर हुई है और सामने फिर बड़ा दिख रहा है एनडीए, मजबूत एनडीए, केंद्र में सत्ता, बिहार में सत्ता, तो अब उसके समक्ष भी वही परेशानियां हो रही है। फिर से कांग्रेस बाहर होने की स्थिति में है या बाहर हो ही गई है। लेफ्ट की पार्टियां एकमात्र पार्टी ऐसी है जो कि तेजस्वी पर बहुत दबाव नहीं डाल रही है, लेकिन आप इसे इस एक परिप्रेक्ष्य में ही देख रहे हैं इसलिए लग रहा है कन्हैया कुमार लेफ्ट से ही न गए हैं। बिल्कुल, समस्या तो वहां भी है और कन्हैया कुमार लेफ्ट से उत्पत्ति उनकी होती है, और आज तेजस्वी के लिए उन्होंने समस्या खड़ी कर दी है ना। जी, तो आप समझिए, कहीं ना कहीं बिहार में
दशकों से जी नहीं बन पा रहा है एक मजबूत महागठबंधन जो सत्ता पक्ष के दलों को चुनौती दे सके। जी सभी हिम्मत हार रहे हैं, नीतीश हारे, कांग्रेस हारी, सभी का हिम्मत जवाब दे रहा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या आपने जिन लोगों का नाम लिया, ये कुर्सी के जो पाए हैं ये घसकना इनका लाजमी है। जी आपकी लड़ाई की सत्ता में एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा, सत्ता में जब आप रहते हैं सब कुछ ठीक रहता है, याद रखिएगा कोई लड़ाई नहीं होती है। इतना बड़ा मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन आज फिर कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हम लोग, करेंगे ही करेंगे जी, लेकिन वो लड़ाई सरकार नहीं गिरा रही है, यानी चीज बाहर नहीं हो जा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयां महागठबंधन में चूंकि सत्ता में नहीं है, बुरा वक्त चल रहा है, लोग बाहर हो जाते हैं। हमने तो देखा कि केवल उपेंद्र कुशवाहा ही ऐसे थे जो कि सत्ता रहते छोड़कर भागे थे एनडीए केंद्रीय मंत्री दल, बाकी तो सत्ता रहते नहीं टूटा था गठबंधन या कोई नहीं था गठबंधन। तो देखिए विपक्ष की, बिहार में विपक्ष की जो बात कही आपने, दशकों से बनता रहा है, बिगड़ता रहा है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है और इस बात को लेकर के सभी अलग हो जाते हैं, और कभी कभी जब बात इस महागठबंधन के मौजूदा स्वरूप की हो जिसमें तेजस्वी यादव जी हैं, तो चाहे जीताराम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये जब जाते हैं या मुकेश सहनी हो, तो जाते हैं तो तेजस्वी यादव पर एक बड़ा आरोप लगा करके जाते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए तो प्रोजेक्ट थे, लेकिन चार पाए उनके कुर्सी के थे, सिंहासन के थे, जो लगता था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। सबसे पहला नाम था तेज प्रताप यादव जी का, बड़े भाई हैं, सब कुछ जो है दे दिया आपने छोटे भाई को, सहज जी दे दिया था। कहा है उन्होंने कृष्ण अर्जुन वाली बात, तो अर्जुन के लिए कृष्ण खड़े थे, तो एक पाया वो था। तेजस्वी यादव का पूरा राजद जो उनके पिता की विरासत है वो एक दूसरा पाया था। तीसरे पाए के रूप में आप कांग्रेस को देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बिहार में आकर के तेजस्वी यादव के सामने नतमस्तक थी तो वो कांग्रेस थी। उसके चौथे नंबर पे आप वाम दलों को देख सकते हैं जो अलग अलग, देखिए छोटा छोटा एक होता है ना कि समूह मिल करके, जो वाम दल है उसने भी तेजस्वी यादव को इतना बढ़िया रिजल्ट देकर के मजबूत किया था, हाथ मजबूत किया था। लेकिन अब दो तरह का अल्टीमेटम मिलना, एक और जहां तेज प्रताप यादव जी को मनाने के लिए राबड़ी देवी दिल्ली से पहुंची हैं, फिर भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी है, और तेज प्रताप यादव जी का वो बयान कि किसी की हैसियत नहीं है कि मुझे राजद से निकाल दे, यानी कि बगावती तेवर तेज प्रताप यादव जी का जारी है। तेज प्रताप यादव जी बहुत कुछ सोच करके अब अलग है, राबड़ी देवी से नहीं मिलना तेज प्रताप की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, राबड़ी देवी से मिलेंगे तो उन्हें उनको पैचअप करना पड़ेगा, लेकिन लालू यादव ने कहा कि मैं कंप्लेन करूंगा जी, और संजय यादव को बाहर करने की तैयारी करूंगा जी। उन्होंने कहा कि लालू के आते ही, अब समझिए यहाँ एक और बड़ी बात देखने को मिल रही है कि लालू यादव के आने के साथ ही, यानी कि तेज प्रताप यादव जी जो कैद वाली बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को भी बल मिलता है कि तेज प्रताप यादव जी अपने पिता से रख चाह करके भी अभी संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, और इस वजह से वो इंतजार में है, कई लोगों का शिकायत करना है, चीजों बदलना है, तो वो चाह रहे हैं। लेकिन राबड़ी देवी आई इस पूरे प्रकरण से, लेकिन राबड़ी देवी से उन्होंने बात करने की जहमत नहीं उठाई अभी, ताकि उनका प्लान जो है ड्रॉप आउट नहीं हो जाए। वही बात कांग्रेस, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, वो तो सीधे तौर पे खुलेआम कह रहे हैं, कहीं कोई गुंजाइश से ही नहीं बचने दे रहे हैं। तो सीधे तौर पे बात स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी जो 2 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री बनने का जो एक महत्वाकांक्षा जो है रख रहे थे, आंकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में जो जिस सिंहासन पर बैठने जा रहे थे वो दो पाया लगभग टूट चुका है, और तीसरे पाए की बात करें, वामदल की बात करें, तो वामदल में से जब कन्हैया गए हैं तो वो जख्म खाया हुआ है। अब जख्म खाने के बाद दो बातें होती है, या तो इंसान डिप्रेशन में चले जाता है, या तो और अधिक मजबूत होकर के सामने आता है, लेकिन फिर भी पाया दो ही रहेगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आपको पहुंचाएगी। कैसा लगता है आपको ये हमारा शो रातों रात, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स लगातार खुला हुआ है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।